हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमेनिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। ऑलरेडी हम 2015 का पार्ट वन कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं 2015 के पार्ट टू की। तो चलिए चलते हैं आगे। स्क्रीन पर फोन नंबर है, इंस्टाग्राम फेसबुक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है मुझे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मैसेज कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, कभी भी आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल क्लास को फिनिश करती हूँ और सॉरी क्लास को स्टार्ट करती हूँ और आ चलते हैं आगे 2015 का पार्ट टू। लबडब साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू एक्शन ऑफ, लबडब जो साउंड होती है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? ये मेरे पास आने की वजह से इतना ऊपर हो गया। हाँ, लबडब साउंड कौन से ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, मतलब कहां से आवाज निकलती है लब और डब की? लब और डब जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस कौन करता है? दैट इज प्रोड्यूस बाय हमारा हार्ट। ये कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा हार्ट भाई, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स या इसोफेगस नहीं, लबडब इज प्रोड्यूस्ड बाय आर हार्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम एंड हेल्प इन रिमूविंग टॉक्सिन सब्सटेंस फ्रॉम सेल। देखो बेटा, ये क्वेश्चन में होना क्या चाहिए था, अगर टॉक्सिन्स की बात कर रही हूं, टॉक्सिन्स कौन रिमूव कर रहा है? तो टॉक्सिन्स बेसिकली रिमूव करता है एसईआर। अगर इस ऑप्शन में एसईआर होता, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता, तो मैं इसे माफ कर देती, यानी कि समतल अंतः प्रद्रव्य जलिका, समतल अंतः प्रद्रव्य जलिका, तो मैं इसको माफ कर देती। अब यहां पर ये ऑप्शन नहीं है, तो यहां पर क्या मार्क करूंगी? तो यहां पर मैं मार्क करूंगी लाइसोजोम्स। इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइसोजोम्स। तो यहां पर क्या टॉक्सिन्स को जो रिमूव करेगा वो कौन होंगे? लाइसोजोम्स होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? फ्यूनेरिया ब्रायोफाइटा होता है, यस। स्पायरोगायरा एल्गा होता है, यस। साइकस जिम्नोस्पर्म होता है, यस। क्लोरेला टेरिडोफाइट नहीं होता, थाइलोफाइटा होता है। क्लोरेला एल्गा होता है यानी कि थाइलोफाइटा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज बी, क्लोरेला टेरिडोफाइट नहीं है, क्लोरेला टेरिडोफाइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मसल फटीक इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ, मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, मसल फटीक होने लग जाती है, किस एसिड की वजह से ऐसा होता है? ये होता है लैक्टिक एसिड की वजह से, लैक्टिक अम्ल की वजह से बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मसल फटीग होना, मसल का फटीग हो जाना। आगे चलिए। लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सब ग्रुप लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट ऑफ एनिमल किंगडम। भैया इसको इतनी ऊपर की कथा लिखनी ही नहीं चाहती, सीधा साधा सा चीज क्या पूछ रहा है भैया, इसमें से कौन सा फैक्टर एनिमल किंगडम के लिए नहीं है? तो चलो देख लेते हैं कौन सा नहीं है। कैनॉट मेक देयर ओन फूड, एनिमल किंगडम अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बिल्कुल सही, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम लोग ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं। बॉडी कंटेन सेल्यूलोस, हमारे पास में बॉडी नॉट करेक्ट, कैनॉट मेक देयर ओन फूड, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो ये करेक्ट है, हाँ हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। बॉडी कंटेन सेल्यूलोस कभी भी नहीं, हमारे पास कोई सेल्यूलोस नहीं होता, ठीक है। डू नॉट हैव क्लोरोफिल, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये करेक्ट है। माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? बॉडी कंटेन सेल्यूलोस। इसको ध्यान से पढ़ना, इन्होंने ना कैनॉट कैनॉट वर्ड का इस्तेमाल करके सारी स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे कर दिया, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना। इसका करेक्ट आंसर है शरीर में सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज हमारे शरीर में नहीं होता क्योंकि हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जो भी खाएंगे एज इट इज सब बाहर निकल आएगा, नहीं तो आप चेक कर लेना, जितना हरा खाएंगे अगले दिन सुबह सब हरा हरा बाहर निकल आएगा, चाहे पालक खा लो चाहे मेथी खा लो, सब कुछ बाहर आ जाएगा क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज रुकता ही नहीं है। मनस नेशनल पार्क कहां सिचुएट करता है? मनस नेशनल पार्क कहां है? मनस नेशनल पार्क है असम में, असम में। मनस नेशनल पार्क कहां पर है? असम में है, असम में। इसमें तो कुछ ऊपर नीचे करना ही नहीं है सारा। चलिए नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूसिंग फंगस फ्रॉम पेनिसिलियम जीनस। हमारे पास एक प्रजाति थी फंगस की जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम।
ये पेनिसिलियम नोटेटम ये फंगस की स्पीशीज है, इसको बोलते हैं जीनस, इसको बोलते हैं स्पीशीज। ये जीनस है और ये स्पीशीज है, एक जीनस है और एक स्पीशीज है। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंगस की प्रजाति है। इससे जो पहली एंटीबायोटिक की खोज की गई उसका नाम था पेनिसिलिन, ये भी आपको प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक थी जो खोजी गई। खोजी किसके द्वारा गई, हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनके द्वारा खोजा गया। लुईस पाश्चर, पाश्चराइजेशन की टेक्निक दी थी। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं, क्योंकि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, सेल के अंदर एंटनी वॉन लीवेनहुक जिसने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। तो मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी किसे बोलते हैं, लुईस पाश्चर। स्टेनले प्रिजनर या रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक तो आपको पता ही है, इसने सेल खोजा था। ये कौन थे, स्टेनले प्रिजनर, इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने जब प्रोटीन और इन सब का काम होता है किस तरीके से अमीनो एसिड बनता है उस पे काम किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक एनिमल। मैंने आपको एक चीज बताई थी जब मैंने क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सारे होते हैं सिवाय बैक्टीरिया के। बैक्टीरिया आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स जो कौन है, प्रोकैरियोट्स हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, बैक्टीरिया। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन आवर स्किन। कौन सा विटामिन है जो हमारी स्किन में एब्जॉर्ब होता है, दैट इज विटामिन डी। मिलता हमें खाने से है पर एक्टिवेट सन से होता है। सनलाइट जिस जिस पोर्शन ऑफ स्किन पे पड़ेगी, जितना एक्सपोज स्किन पे पड़ेगी उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, उतना ज्यादा हम लोगों को समझ में मतलब उतना ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब होता जाएगा। अगर मैं पूरा बुरखा पहन के पूरा मुंह कवर करके बैठ जाऊं धूप में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ होगा ही नहीं, एब्जॉर्ब ही नहीं होगा सनलाइट हमारी बॉडी में। तो स्किन क्या करेगा, विटामिन डी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर हम लोगों को, हम कुछ भी खाते हैं, दूध खाते हैं, मशरूम खाते हैं, पनीर खाते हैं, उसको खाने के बाद में हमारी बॉडी में स्टोर रहता है, पर उसको एक्टिवेट करने के लिए सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट वही काम करेगी जो एक्सपोज स्किन होगी, जहां कपड़ा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। तो चलिए खत्म करते हैं इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास को भी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू ईयर के क्वेश्चंस के साथ में। हम लोग सारा प्रीवियस ईयर कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ बायोलॉजी का नहीं करेंगे, पूरा जीएस हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।